Assalamualaikum, dear students. I'm your English teacher from Silk School City Campus, Belwal. So, dear students, this is your lecture number one, and we are going to start unit number one. But before we start the lesson, I want to ask a question from you. With whom do you live? आप किस किस के साथ रहते हैं अपने घर पे? Very good. With your family members. So, dear students, आपके family members में कौन-कौन होते हैं? Very good. Your parents. And your other siblings, आपके दूसरे बहन भाई. तो आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके लाइकिंग, क्या दूसरे सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं? आपकी लाइकिंग, लाइकिंग होता है जो चीज़ें आपको पसंद हो, आपकी चॉइसेस या आपके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है कि किस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, क्या वो आपके आपके पेरेंट्स के साथ या आपके दूसरे सिबलिंग्स के साथ मैच कर रही होती हैं? Of course not. They're not totally matched. Completely match नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है? They're always different. Different होते हैं वो हमारे parents से. But still we live with them. ठीक है? But इसके बावजूद क्या है? कि we live with them. We respect them and we live with them. Why we live with them? There are so many differences. Then why we live with them? Because we love them. Okay? Because they are our family, क्योंकि वो हमारे family members हैं, that is why we live with them and we are one. Now move to your book, page number 8. Your lesson number 1, we are one word. Book reading start करते हैं, stanza number 1. Harry lives in Canada. Harry कहाँ पर रहती है? Lives, रहना. Very good. किधर रहती है वो? Canada में रहती है. Marla lives in Spain. Marla किधर रहती है? स्पेन में रहती है. बट बोथ लाइक टू राइड देयर बाइक्स. लेकिन दोनों को क्या पसंद है? बोथ का मीनिंग होता है दोनों. दो लोगों की बात हो रही है ना, तो दोनों. दोनों को क्या पसंद है? राइड देयर बाइक्स, बाइक चलानी पसंद है, बाइक की सवारी करनी पसंद है. अलोंग द शेडी लेन. अलोंग होता है साथ, और शेडी लेन सायादार गली. सायादार और लेन का क्या मीनिंग है? गली. अब दोनों जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, ठीक है? बट दे बोथ लाइक टू राइड देयर बाइक्स. लेकिन दोनों को बाइक चलाने पसंद है. ओके, दोनों का इंटरेस्ट क्या है? मैच हो रहा है, सेम है. नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग ऑफ स्टांसा नंबर 1. नाउ ओपन योर नोटबुक्स, राइट योर डे, राइट योर डेट एंड टिक योर होमवर्क. योर टॉपिक इज वर्ड स्पिनिंग. सब बच्चे मेरे साथ राइट करेंगे नीटली. WORDS वर्ड्स, MEANINGS वर्ड्स मीनिंग्स. योर फर्स्ट वर्ड इज बोथ. पहला वर्ड है बोथ, BOTH. बोथ का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ बुक रीडिंग में भी. क्या मीनिंग है? वेरी गुड. दोनों, बोथ दोनों. नेक्स्ट वर्ड है शेडी. शेडी का मीनिंग में भी आपको मैंने राइट करवाया. क्या मीनिंग था? SHADY, शेडी. दैट्स वेरी गुड. शेडी का मीनिंग है सायादार. नेक्स्ट वर्ड है लेन. लेन का मीनिंग भी आपको मैं राइट करवा चुकी हूँ. LANE. क्या मीनिंग इसका बताया मैंने बुक रीडिंग में? वेरी गुड, गली. नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ. BENEATH. बीनीथ, इसका क्या मीनिंग था? नीचे. बीनीथ, नीचे. लास्ट वर्ड है हमारा जॉइंट. GIANT. जॉइंट. जॉइंट का मीनिंग होता है बहुत बड़ा. जो चीज बहुत बड़ी हो ना, उसको बोलते हैं जॉइंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर होमवर्क. नाउ यू हैव टू लर्न योर होमवर्क. आप लोग इसको लर्न करेंगे और उसके बाद किसी को सुनाएंगे भी. सुनाने के बाद रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. ग्रेड 3.